आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज हम एक और वचन की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाएंगे और ये वचन है बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 एंड वर्स नंबर 7, निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यहाँ पर 10 आज्ञाएं हमें लिखी हुई मिलती हैं और उन 10 आज्ञाओं में से एक मुख्य आज्ञा जो है वो हमें इस 20वें अध्याय के 7वें नंबर के वर्ष में दिखाई पड़ती है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। डू नॉट टेक द नेम ऑफ योर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी इन वेन। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि ये वचन और ये जो मुख्य आज्ञा जो है ये सिर्फ हमारी जुबान से निकले हुए शब्दों तक ही सीमित है, जो हम अपने मुंह से अपनी जुबान से जो हम उच्चारण करते हैं बार बार जो यहोवा शब्द कहते हैं सिर्फ इसी तक सीमित है कि तू व्यर्थ अपनी जुबान से यहोवा का नाम अपने परमेश्वर का नाम न लेना। लेकिन जितना ये जुबानी आप समझते हैं इसको अच्छी बात है, व्यर्थ में जुबान से भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इसके पीछे जो एक गहरा प्रकाशन है ये सिर्फ मुंह से कहने तक ही संबंधित नहीं है। इसका रिश्ता मुंह से और मन से भी जुड़ा हुआ है, आपके भीतरी मनुष्यत्व से भी जुड़ा हुआ। अगर आप सच में परमेश्वर के हैं नहीं लेकिन परमेश्वर के होने का नाटक कर रहे हैं, सच में आप मसीही हैं नहीं लेकिन मसीही होने का नाटक कर रहे हैं, मतलब आपके मुँह पर तो परमेश्वर 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 रहता है हर बात में। आप जब किसी से मिलते हैं रास्ते में तो प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की, चर्च में जब आप मिलते हैं तो गवाहियां दे रहे हैं हम परमेश्वर के बेटे हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ। हम बहुत आसानी से कह देते हैं परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। कई बार हम बोल रहे हैं कि मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का फॉलोअर हूँ, लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो वास्तविकता जो है हमारे जीवन की वो बहुत अलग है। हम व्यर्थ में नाम ले रहे हैं परमेश्वर का, इसलिए तो बाइबल कहती है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक जन उद्धार ना पाएगा। तो जो बेमतलब का हे प्रभु कह रहा है, जुबान से कहे जा रहा है लेकिन अंदर से उसके काम जो हैं वो शैतान के, तो ये होता है व्यर्थ नाम लेना। और इसके लिए 10 आज्ञाओं में एक मुख्य आज्ञा दी गई कि तू व्यर्थ में अपने आप को मसीही मत कहना अगर तू नहीं है, व्यर्थ में तू अपने आप को परमेश्वर का बेटा या याजक या दास मत कहना अगर तू नहीं है, लेकिन अगर तू ऐसा करेगा तो तू मेरे नाम का अपमान करेगा। आप अगर पाप करते हैं तो आप इससे ये मत सोचे कि परमेश्वर आपसे घृणा करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पाप से घृणा करते हैं ना कि पापियों से, वो पापियों को बचाने के लिए आए, वो पाप का अंत करने के लिए आए ना कि पापियों का, जैसे कि बाकी लोग आए उन्होंने पापियों का अंत कर दिया। पापियों का अंत करने से पाप का अंत नहीं होता, लेकिन यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान देकर पाप को ही खत्म कर दिया। तो अगर गलतियां होती हैं माफ़ी मांगें प्रभु से और ये स्वीकार करने में कभी ना हिचकिचाएं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ लेकिन मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। बहुत सारे लोग पापी होने के बावजूद भी धर्मी होने का नाटक करते हैं, ऐसे आडंबर ऐसी वेशभूषा और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे वो बड़े आत्मिक जान पड़े। तो ये है परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना। अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए आप इस वचन को ज़रूर लाइक करें और भी लोगों को आप शेयर करें, और आप अगर इस चैनल में नए हैं आप इसे सब्सक्राइब करें जिससे मसीह की देह बढ़ती रहे और हम एक दूसरे से सीखते और एक दूसरे को सिखाते रहें। जय मसीह।